नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। इंटरनेशनल पॉप स्टार रियाना के लिए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, जिसकी वजह से वो खूब सुर्खियों में थी। एक बार फिर से रियाना चर्चा में आ गई है। इस बार वो अपने एक फोटोशूट की वजह से लाइमलाइट में है। रियाना ने ट्विटर पर एक तस्वीर डाली है जिसमें वो टॉपलेस नजर आ रही है। हालांकि सिंगर के विवादों में आने की वजह उनका टॉपलेस अवतार नहीं बल्कि गले में पहनी एक माला है। फोटो में रिहाना को पर्पल सैटिन की बॉटम पहने हुए देखा जा सकता है, जिसके साथ उन्होंने भगवान गणेश का पर्पल कलर का पेंडेंट पहना हुआ है। उनके गले में जो माला है उस पे भगवान गणेश की आकृति है, जिसके चलते सोशल मीडिया पर लोगों ने सिंगर को घेरना शुरू कर दिया है। सिंगर के इस माला पर जमकर बवाल हो रहा है और लोग जमकर रिहाना की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही लोग इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग रिहाना पर भड़के हुए हैं। कई लोगों ने उन्हें हिंदू धर्म की भावनाएं आहत करने के लिए जमकर खरी खोटी भी सुनाई है। वहीं कुछ लोगों ने इसे कंट्रोवर्सी और पब्लिसिटी स्टंट बता दिया है। ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग ना सिर्फ रिहाना की इस फोटो को हटाने और ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट में भगवान गणेश का नेकलेस पहनने के लिए माफी मांगने की डिमांड कर रहे हैं। इस तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा, रिहाना मेरे धर्म का इस्तेमाल एक सौंदर्य की वस्तु के तौर पर ना करें। चेन के आखिर में गणेश की मूर्ति है जो हमारे लिए पवित्र आकृति है। वहीं एक दूसरे यूजर ने रिहाना की इस फोटो को सरासर ऑफेंसिव करार कर दिया। इस फोटो को लेकर मुंबई से बीजेपी विधायक राम कदम ने आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ दिए हैं। राम कदम ने ट्वीट किया है, षड्यंत्र के तहत रिहाना ने नग्न अवस्था में भगवान गणेश जी की पेंडेंट पहनकर किया देवी देवताओं का अपमान। क्या अब भी कांग्रेस रिहाना का समर्थन करेगी या विरोध? साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये देखना भयावह है कि कैसे रिहाना हमारे प्यारे भगवान गणेश का अपमान कर रही है। यह इस बात का पर्दाफाश करता है कि रिहाना के मन में भारतीय संस्कृति, परंपरा और हमारे मुद्दों के लिए कोई विचार या सम्मान नहीं है। उम्मीद है कि कम से कम अब राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता भारत की छवि खराब करने में उनकी मदद लेना बंद कर देंगे। क्या ये उसकी आलोचना करेंगे या सत्ता की भूख प्यारे भगवान गणेश से बड़ी होगी? हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी धर्म विशेष का अपमान करने को लेकर रिहाना विवादों में आई हो। इससे पहले साल 2013 में रिहाना ने अबू धाबी के शेख जायद ग्रैंड मॉस सेंटर में एक फोटोशूट करवाया था। उस वक्त भी आपत्तिजनक तस्वीरें क्लिक करवाने के चलते उन्हें वहां से बाहर जाने के लिए कह दिया गया था और इसके लिए रिहाना ने बाद में माफी तक मांगी थी। रिहाना ने अपने वर्चुअल रनवे शो सेवेज इन्फेंटी में अपना लॉजरी कलेक्शन दिखाते हुए म्यूजिक प्रोडक्शन कुकू क्लोए के एक गाने डूम का इस्तेमाल किया था, जिसमें इस्लाम की हदीस यानी कि वो बातें थी जिसके जरिए पैगंबर साहब ने इस्लामी संस्कृति के रीति रिवाजों और नियमों के बारे में बताया था। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर आपत्ति जताई थी। बाद में रिहाना ने इसे लेकर भी माफी मांगी थी। इतना ही नहीं, रिहाना ने संस्कृत भाषा में भगवद गीता के कुछ शब्दों का अपने हिप पर टैटू बनवा डाला था, जिस पर भी खूब बवाल मचा था। तो इसे देखकर ये तो साफ है कि रिहाना और विवादों का रिश्ता नया नहीं है, काफी पुराना है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष।